मॉर्निंग राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। सुबह के 6 बज रहे हैं और बच्चे लोग भी उठ गए हैं, स्नान भी हम कर ली हूँ और मैं ठाकुर जी का भी पूजा कर ली हूँ। और अभी बच्चे लोग क्या करें, आप लोग बच्चे सबसे मिलवाते हैं। इस ब्लॉग के एंड तक बने रहिए, देखते रहिए। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो श्रियांश, पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो श्रियांश? इधर देखो नियति, आप क्या लिख रही है? एक हो गया, एक पाल। और आप क्या याद किए हो, आप क्या याद किए? वर्ब याद हो गया। मैम का होमवर्क सब बन गया है अभी, तो मैम पिटाई लगाएगी। मैम अच्छे से पूरा याद कर लेना, ठीक है? याद करो, खोलो कॉपी। नहीं याद करोगे? गाय ये सब ऐसे ही करता है। बालकोनी में कावा आया हुआ है और का का बोल रहा है, मेरे श्रियांश को बुला रहा है। श्रियांश अभी नहीं आ रहा है, श्रियांश खूब रोटी खिलाता है कावा को, तो दोस्ती है श्रियांश, इसी कारण खूब आता है, बोलते हैं काँ काँ। चलते हैं और फिर एक नया रेसिपी बना रहे हैं, आप लोग को दिखलाते हैं। आज रेसिपी में मंचूरियन, आप लोग देखिए और सीखिए मेरी रेसिपी से और खा कर भी बताएंगे कि कैसा बना है। गाजर है, इसको कद्दूकस कर लिए, और पत्ता गोभी है उसको भी कद्दूकस कर लिए, बीन्स है इसको भी कद्दूकस कर लिए, और प्याज को भी कट इस तरह से लगा लेना है, और शिमला मिर्च को भी इस तरह से कट कर लेना है, लहसुन अदरक है, और यहाँ पर उसको थोड़ा सा खल में कूच लिए हैं, और यहाँ मसाला में ये सब डलाएगा, टमाटो सॉस और कॉर्न फ्लावर भी डलाएगा, और चिली सॉस और विनीगर और सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस, ठीक है? और मैदा भी थोड़ा सा पड़ेगा। अब बतलाते हैं किस तरह से बनता है, मिश्रण करते हैं आप लोगों को बतलाते हैं। पत्ता गोभी को निचोड़ लीजिएगा, तो बाउल नहीं बन पाएगा, तो हम इसको निचोड़ के रस निकाल दिए, इसमें से निकाल के रख दिए हैं, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालिएगा, जीरा मिर्च डालिएगा, और इसमें कॉर्नफ्लावर डालें, मैदा डालें। अब इसको सानते हैं, देखते हैं तरह से बॉल बना लीजिएगा, और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा सेट होने के लिए, और अब फ्राई कर लेते हैं। तो आप लोग चलो 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 यही फ्राई कर लेना है, और मीडियम आंच पर फ्राई करना है, नहीं तो तेज आंच पर कच्चा रह जाएगा अंदर का। और आगे अब ग्रेवी बनाते हैं, आप लोग को दिखलाते हैं। इस ब्लॉग में बने रहिए आगे तक। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिए हैं और थोड़ा सा रखे हैं, थोड़ा सा नहीं बनाना है, और इसमें जीरा डाल दे रहे हैं, जीरा चटक जाता है, तो प्याज रखेंगे, चटक गए। अब इसमें ऑनियन कट लगाए हैं, रख देते हैं। प्याज हल्का सा हो गया डीप फ्राई, और इसमें अब कैप्सिकम डाल देते हैं, शिमला मिर्च, और इसको भी थोड़ा सा डीप फ्राई कर देना है। डीप फ्राई हो गया, अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिए, और जीरा मिर्च और पाउडर डाल दिया, गाय जब सोया सॉस डाल देते हैं, उसके बाद विनीगर थोड़ा सा डाल दीजिए, तो खटास आता है, थोड़ा मिर्च पानी डालना है, और उसमें कॉर्न फ्लावर को पाउडर को इसमें डाल देना है, थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच हम अंदाज से डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद इसको घोल बना लेना है, इसमें ये मिश्रण को डाल देते हैं, कॉर्नफ्लावर को, और नमक डाल देते हैं, नमक थोड़ा ही डालना है, चाहे कि टमाटो सोया सॉस में थोड़ा नमक रहता है, इसी कारण थोड़ा सा ही नमक डालना है। गाइस हो गया, और इसमें थोड़ा सा हमको ग्रेवी वाला चाहिए, आप बिना ग्रेवी वाला भी रख सकते हैं सूखा, हमको ग्रेवी वाला तो थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं, जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही को जितना पानी डाल दिया, देखिए हमको इतना समय थोड़ा सा सूखेगा, अब थोड़ा बॉयल आ जाएगा, तो इसमें मंचूरियन डालेंगे। गाइस बॉयल हो गया, अब इसमें मंचूरियन डाल देते हैं जो फ्राई करके रखे हुए थे, अब इसमें डाल दे रहे हैं, तो थोड़ा तेज कम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं, हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देते हैं, कट लगा हुआ, इसे ब्राउन कर दिए, और देखिए गाइस हो गया। इसी तरह से बनाना है,
और देखिए कितना अच्छा से बना है, हमको इतना ही ग्रेवी उतारना है। अब खा कर आप लोगों को बताना है कैसा बना है टेस्ट, तो आप लोगों को बतलाते हैं। आलू पराठा बना रहे हैं मंचूरियन के साथ खाने के लिए, देखें अच्छे तरह से सेक लिए हैं। ये लोग खाने लगे मंचूरियन आलू पराठा, और देखिए कैसा बना है बाबू। अच्छा रुक जाओ, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दे दीजिए। बाय बाय।